ये सब क्या है? क्या है का मतलब? अभी अभी जो हुआ था तूने देखा नहीं? पापा का शुक्र है मैं जान जान बच गई। अरे बेटा, इस लड़की का इस घर में रहना खतरों से खाली नहीं हमारे लिए, और इसीलिए इसी वक्त उसको हमारे घर से निकालना चाहिए। इसीलिए मैंने ये सब किया। मैंने ठीक किया है ना बेटा? अगर तू मेरी जगह होता तो तू भी ऐसे ही करता ना? आई एक मिनट, अच्छा एक मिनट। आई देख, मैं मानता हूँ कि अर्चना से गलती हो गई, लेकिन आई अर्चना को उस गलती का एहसास है, इसके लिए उसे घर से निकालना। देख आई, मैंने उसको माफ कर दिया, तू भी कर दे प्लीज। मानो आई देख, उसने जानबूझ के ये सब नहीं किया है, अनजाने में किया है उसने। प्लीज आई, बड़े दिल से माफ कर दे। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। इस घर को गिरवी रख दो। मंजू क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या क्या बकवास कर रही हूँ मैं? अरे सच तो कह रही हूँ, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा है? मंजू तू, अच्छा चलो, अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लेता हूँ, लेकिन पेपर्स तो बाबा के पास है ना। ये बात तुम्हें जितनी आसान लग रही है ना, उतनी आसान है नहीं। आज घर को गिरवी रखकर पैसा तो उठा लेंगे, लेकिन कल को वो कर्जा चुकाएंगे कैसे? घर में इनकम का कोई सोर्स नहीं है, मेरी नौकरी जा चुकी है और तुम्हारी सैलरी से घर का खर्चा चलता है, और ऐसे में अगर घर को गिरवी, सिर पर हक की एक छत है वो भी चली जाएगी। देखो मेरे पास ना एक आइडिया है, हम ना हम इस घर को गिरवी रख देते हैं, थोड़ा सा लोन उठाते हैं और हमारे फ्लैट पर जितने भी ड्यूज है ना वो सब क्लियर कर देते हैं। उसके बाद हम उस फ्लैट को बेच देंगे, उससे जो पैसा आएगा उसे इस घर को छुड़ा लेंगे, और बचे हुए पैसे से तुम अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेना। अरे विनोद। हाँ बाबा। पटाखे कितने फूट रहे? लगता है इंडिया मैच जीत गया। हाँ तुम देखना, अगर इंडिया ने मैच जीता होगा ना तो सिर्फ सचिन की वजह से। हाँ बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कितने पटाखे फूट रहे बाबा? हाँ बेटा, आपसे एक बात करनी थी। मुझसे? बोलो ना क्या बात है। वो बाबा अपना फ्लैट है ना। फ्लैट? तो वो वहाँ से सोसाइटी का फोन आया था, वहाँ का सेक्रेटरी कह रहा था कि मेंटेनेंस ड्यू काफ़ी ज़्यादा हो गया है, और अगर टाइम पे पैसे नहीं दिए तो हमारा फ्लैट हमारे हाथ से चला जाएगा। तो तुम घर को? बाबा मैं जानता हूँ कि इस वक्त आपके पास भी पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है बाबा। क्या क्या आइडिया बता? बाबा मेरा एक दोस्त है राजन, जो प्रॉपर्टी का काम करता है, और वो बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर पैसे उधार देने के लिए तैयार हो गया है। बस उसके लिए हमारे घर के पेपर्स। तो तुम फ्लैट के लिए घर को बेच? नहीं बाबा, घर को बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो फिर? मैं सिर्फ घर को गिरवी रखने की बात कर रहा हूँ बाबा। घर को गिरवी रख के जो भी पैसे आएंगे ना, उससे हम मेंटेनेंस चुका देंगे और हमारा फ्लैट फ्री हो जाएगा, और जैसे ही फ्लैट फ्री होगा हम घर को छुड़ा लेंगे। और बाबा जो पैसे बचेंगे उससे मैं अपना नया बिजनेस भी शुरू कर सकता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें घर के पेपर्स नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते बाबा? देखो कोई खास वजह नहीं है, लेकिन मैं वो पेपर्स तुम्हें देना नहीं चाहता। बात खत्म। लेकिन बाबा, देखो मैंने कहा ना तुमसे, बात खत्म मतलब खत्म। आई मुझे तो ये नहीं पता चल रहा है कि ताई हर बार एक नई मुसीबत क्यों खड़ी कर लेती है अपने लिए। मैंने उसे इतनी बार पूछा, उसने नहीं बताया, लेकिन उसने तुझे तो बताया होगा ना। आखिर क्यों कर रही है वो ऐसा? आई देखो, अर्चु अपना घर फिर से खड़ा करना चाहती है। वो कुछ ऐसा करके दिखाना चाहती है जो और किसी के बस की बात नहीं है। नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाना चाहती है वो। एक ऐसे इंसान को बदलने की कोशिश कर रही है जिसके बदलने की कोई गुंजाइश नहीं है। आई इसका मतलब ताई सविता ताई को? हाँ,
हे भगवान, फिर तो हो चुका। ताई को भी ये नई मुसीबत कहां से सूझी क्या पता। जीजू के साथ इतनी खुश थी, दोनों की गृहस्थी इतनी अच्छे से चल रही थी, फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी। ताई एक ऐसे इंसान के दिल में प्यार जगाने जा रही है जिस इंसान को प्यार शब्द का मतलब भी नहीं पता। वो प्यार नहीं, नफरत जगाना चाहती है। मतलब ये है कि वो सविता ताई के दिल में अपने लिए नफरत जगाना चाहती है। अर्चू को ऐसा लगता है कि ऐसा करने से शायद पहली वाली सविता ताई वापस आ जाएगी और शर्माना को उसकी पहली वाली आई वापस मिल जाएगी। देखो ये भी सही है कि अपनों से दूर रहकर जो खुशी मिलती है वो थोड़े दिन के लिए होती है, लेकिन जो सुकून अपने परिवार के साथ रहकर मिलता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। अर्चु मानव को उसका परिवार लौटाना चाहती है। आई, लेकिन खुद को तकलीफ देके दूसरों को खुशी देने में क्या मतलब है। ऐसा करने से ताई मानव जीजू को उनकी आई उनका परिवार तो लौटा देगी, लेकिन खुद अपनी खुशियाँ हमेशा के लिए खो देगी। क्योंकि सविता ताई कैसी है हम सब जानते हैं। वर्षा, खुद को तकलीफ दे करके औरों के लिए खुशियां बटोरना, यही खासियत है अर्चु की। मुझे अर्चना का ये फैसला बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई और हमें दाद देनी चाहिए उसकी हिम्मत की। इतना जोखिम भरा हुआ कदम उठाया है उसने और आई मुझे लगता है कि वो अपने इस मकसद में जरूर कामयाब होगी। Let's hope for the best. मानव उठिए ना, देखिए सच्चू बहुत रो रहा है। पता नहीं आई शायद नींद में, देखिए ना उसकी कितनी आवाज आ रही। मानव चलिए, चलो चलिए। अरे सविता, सच्चू रो रहा है, उसे चुप करा। सविता सुनाई नहीं दे रहा है। अरे सच्चू रो रहा है, तो चुप करा ना उसे। बाबा लगता है आई की आंख लग गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ अलग बात है। सच्चू रोए और सविता ना जागे, ऐसा हो ही नहीं सकता। चल देखते हैं। क्या सविता, तू दूध की जगह पानी पिला रही है इसे? पानी? मैंने इसमें दूध भरा था, पानी। हाँ अंधेरा था ना, तो मुझे लगता है मैंने पानी की जगह दूध से मुंह धोया और दूध की जगह पानी भर दिया। दूध लाती हूँ मैं। आई मुझे बोतल दीजिए, मैं दूध लेकर आती हूँ। सविता, इतनी देर से सचिन रो रहा था और तू उसे दूध की जगह पानी पिला रही थी। मेरे से गलती हो गई, सुनाई नहीं दिया मुझे उसका रोना। आवाज सुनाई नहीं दी, क्यों? पता नहीं। माजी शोनू दूध पिएगा। देखो सचू का ख्याल बराबर रखना है? और उसको सुलाना बराबर। जाते समय लाइट बंद करके जाना, मुझे नींद नहीं आती रोशनी में।
अच्छा ये लो फ्रूट्स। मान अभी वहां रख दीजिए, मेरे हाथ खराब। मानव प्लीज वहां से तेल की बॉटल दे। ये तेल क्या हो माना? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? वो क्या गले पे कुछ? मैं करता हूँ। काला सा दाग लगा हुआ है। एक सेकंड बस। काला दाग? निकला क्या माना? हेलो हेलो अर्जू, मैं आई बोल रही हूँ। जी मैं माना बोल रहा हूँ। हाँ लीजिए। नहीं नहीं कोई बात नहीं, अरे मुझे तो तुमसे ही बात करनी थी। हेलो हाय। अरे मानव कहाँ गया? मानव यही है, बोलना क्या हुआ? अर्जू दरअसल एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ है? अरे मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं और वैशाली मंदिर में है, तो वहां सविता ताई भी है और वो भी भिखारियों के साथ। तुम दोनों जल्दी आ जाओ। आई तो एक काम कर, तू वहां आई का ध्यान रख, मैं अभी आती हूँ। अच्छा जल्दी आना। मारे भाई वो क्या हुआ? आई का है वहां। आई यहां क्या कर रही है तू? मैं यहां कैसे आई? हाँ चल दस्ते चलो उठ यहां से। नहीं 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 मुझे किसी की जरूरत नहीं है। इस बुड्ढी में अभी दम है, मैं अकेली जा सकती हूँ। चलना, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। मैं अकेली जा सकती हूँ। सूखी रोटी क्यों खाई? सब्जी बनाने का मेरा मन नहीं था। अरे लेकिन घर में सब्जी बनी हुई है कब की?
मैंने देखा नहीं। अरे मेरी दवा लेने का टाइम हो गया, दवा लेती हूँ। अरे बाप रे, दवाई लानी पड़ेगी, एक ही गोली बाकी है। ठीक है, आज आते वक्त लेके आऊंगा। ये बचे कुछ पैसे है, उसमें जितने आते हैं वो लेके आओ। कब तक आप इस तरह मुझसे भागेंगी आई? मैं आपको इस तरह जीने नहीं दूंगी, समझिए आप? आप मुझसे इस तरह क्यों भाग रही आई? मैंने आपसे कहा ना, आप जितना मुझसे भागेंगी ना, मैं उतने ही पास आपके आऊंगी। इस तरह मुझसे मत भागी, क्योंकि मैं आपको इस तरह जीने नहीं दूंगी, मतलब नहीं दूंगी। तुझे जो करना है कर, लेकिन इस कमरे में नहीं। बाहर के रूम में जाकर चाहे तो नाच कर, लेकिन मुझे मत सता। नहीं, नहीं जाऊंगी मैं इस कमरे से, यहीं रहूंगी आपके साथ। आपको जो करना है वो कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा मुझे मारेंगी ना, और तो कुछ नहीं। जिसके साथ कोई संबंध नहीं वहां दुश्मनी कैसे? और वैसे भी क्या मुझे सिंह निकल आए हैं जो राह पर चलते हुए औरत को जाके मैं धक्का मारूं? कृपा करके मुझे सोने दे। नहीं, नहीं सोने दूंगी मैं आपको। आई मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके साथ जो भी कर रही सिर्फ आपकी भलाई के लिए कर रही। अरे अर्जु, सब ठीक तो है ना? हाँ दादा, सब ठीक है। आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ, मैं भी आता। तो फिर आई बहुत कोशिश कर रही हूँ हर चीज को संभालने की, लेकिन नहीं हो पा रहा। आई से अच्छे से बात करो या बुरे से बात करो, वो कुछ रिएक्ट ही नहीं करती। मुझे लगता है मैंने जो मानव से वादा किया है वो मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी। मैं उन्हें उनकी आई नहीं लौटा सकती। ऐसा मत कहो, अरे अभी तो शुरुआत है। तू सच्चे मन से करेगी ना तो बापा तुम्हें जरूर कामयाबी देंगे, बस उम्मीद मत छोड़ना। अर्चना, माधुरी तुम यहाँ? आओ अंदर आओ। वो अर्चना, मैं यहाँ यही कहने के लिए आई थी कि धर्मेश का फोन आया था। उन्होंने कहा कि वो कुछ ही दिनों में इंडिया वापस आ रहे हैं। कुछ ही दिनों में मतलब? उसने तारीख तो बताई होगी ना तुम्हें? नहीं, उन्होंने कहा कि वो वापस कॉल करके डेट कंफर्म करेंगे। लेकिन इस वक्त वो कहाँ पर है? नहीं बताया। मैंने उनसे पूछने की कोशिश की लेकिन उन्होंने बात को ही टाल दिया। उसने कौन से नंबर से फोन किया था? अपने मोबाइल पे नंबर तो फ्लैश हुआ होगा ना, उससे पता चल सकता है कि वो कौन से देश में है। नहीं, उन्होंने इंडिया वाले नंबर से ही फोन किया था। आई, आई मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, पुलिस को ये सारी बातें पता होना बहुत जरूरी। वैशु, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। माधुरी तुम भी हमारे साथ चलो, क्योंकि पता नहीं वो कैसे सवाल पूछेंगे, तो हो सकता है तुम्हें सब कुछ पता हो, तुम्हारी धर्मेश से बात हुई ना। ठीक है, आई हम लोग जाकर आते हैं।
मुझे खिलौने दिखाना। हाँ। ये कार प्यारी है। You like to see remote cars? अर्चना बोलो। ठीक है मैं आता हूँ। ठीक है ये देखो ये सही है ना। हाँ वर्षा। अच्छा माधुरी को धर्मेश का फोन आया था, उसे कुछ मालूम चला है उसके बारे में, मतलब कहाँ है क्या कर रहा है। तो वो अर्चना वैश्यु पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे भी उनके साथ में जाना चाहिए। हाँ तो मैं निकलता हूँ, तुम? नहीं मैं थोड़ी देर खिलौने खरीदती हूँ फिर घर चली जाऊंगी। ठीक है। रॉकी इनको कुछ भी चाहिए होगा तो देख लेना, मैं समझ लूंगा। पक्का, नो इश्यूज। ठीक है। बच्चों ये देखो मैं तुम लोगों के लिए क्या लाई हूँ, बहुत सारे खिलौने और बहुत सारे चॉकलेट, ये लो। थैंक यू, मुझे ये वाला अच्छा नहीं लगता। तो तुम्हें कौन सा वाला चॉकलेट पसंद है? मिल्क वाला। तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगी ना तभी मिल्क वाला चॉकलेट लेकर आऊंगी। ठीक है इस बार ये खाओ। धर्मेश का फोन आया था। हाँ माना, और इसीलिए हम लोग पुलिस स्टेशन भी गए थे। और इंस्पेक्टर ने क्या कहा? माना वो कह रहे थे अभी कहना कुछ मुश्किल है, लेकिन हाँ वो लोग नंबर ट्रेस कर रहे हैं और उन्होंने कहा अगर हमें कोई फोन आता है तो हम उन्हें तुरंत इन्फॉर्म करें। चलो ठीक है, चलो। ये जो कपड़े सुखाए ना मैंने, हाँ ये सुखा के जो बाजू में जगह मिलेगी वहां आपके कपड़े सुखाना। हाँ बस समझ में आए, आओ। ये रसोई घर है, यहाँ आप रसोई पका सकते हैं। और ये है बाथरूम, ये हमारा हॉल है। ये सब क्या कर रहे हो? कौन है ये सब? ये हमारे किराएदार है, हमारे घर में रहने वाले हैं। इनको मैं घर दिखा रही हूँ। अरे घर में रहे? लेकिन ये जगह कहाँ है, कहाँ रहेंगे? ये रूम में। अगर ये इस रूम में रहेंगे तो हम कहाँ रहेंगे? अरे इतना बड़ा घर है, मैंने तुमको रहने से मना थोड़ी किया, कहीं भी रह सकते हो। ये क्या कर रही है तू? क्या चाहती है तू? यही चाहती है कि हम लोग इस घर में नहीं रहे? अच्छा कैसा लगा घर? घर तो ठीक है लेकिन वो किराए का ना, देखो 5,000 रुपए महीना देना है? और बाथरूम और रसोई घर दोनों इस्तेमाल कर। बस कराए। मैं पूछ रहा जवाब क्यों नहीं दे रही? क्या चाहती है तू? अरे मैं अभी बुढ़ी हो गई हूँ, मुझसे कुछ काम भी नहीं होता। तेरे बाबा में भी इतनी ताकत नहीं है कि वो 4 पैसे कमा के मेरी जरूरत के पूरी कर सके। देख मुझे इनको रह के जो किराया मिलेगा उससे मेरी दवाई तो आ सकेगी। मैं अभी बुढ़ी हो गई हूँ, कल मर भी जाऊंगी, लेकिन जीने के लिए बेटा थोड़े पैसे लगते हैं ना, वो मुझे इस किराए से मिलेंगे। नहीं आई, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, आप इस घर को किराए पे नहीं देंगे। आपको इस घर का किराया चाहिए ना, ये आपको 5,000 देंगे ना, हम आपको 6,000 देंगे, लेकिन इस रूम में हमारे सिवा और कोई नहीं रहेगा। मानव आई को जितना किराया चाहिए आप दे दीजिए, पहले भी हम किसी किराए के घर में रहते थे ना तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, दे दीजिए। भाई अर्चना सही कह रही है, आपको जितने पैसे चाहिए हम देंगे, लेकिन यहाँ और कोई नहीं रहेगा। ठीक है मुझे माफ कर दीजिए आप लोग प्लीज। ठीक है कोई बात। कल सवेरे मुझे डिपॉजिट के 10,000 चाहिए, मैं 10 बार मांगूंगी नहीं, मुझे मेरे हक के पैसे के लिए हाथ पसारना अच्छा नहीं लगता। और किसके लिए झूठ बोल रहे हो तुम? झूठ? दरअसल बात यह है कि विनोद पिछले कुछ दिनों से आप लोगों से
एक बात छुपा रहे हैं। मंजू प्लीज, क्या बोली जा रही हो तुम? बाबा मैंने किससे कुछ भी नहीं छुपाया, पर बाबा से मैं बात कर रहा हूँ ना, तुम बीच में क्यों आ रही हो? तुम जाओ यहाँ से। क्यों जाऊँ मैं? और मैं नहीं जाने वाली हूँ, और आज मैं बाबा को ये सच्चाई बता कर ही रहा हूँ। मंजू प्लीज। विनोद, तुमसे तो कुछ निकलेगा नहीं मुँह से, बस अंदर ही अंदर घुटते जाओगे, अपने आप को परेशान करोगे, मुझे परेशान करोगे, और जब पानी सर से ऊपर चला जाएगा तो डूब जाओगे। मंजू तुम। बाबा, बात यह है कि विनोद पिछले कुछ दिनों से अपनी नौकरी पर नहीं जा रहे हैं, उन्हें उनकी नौकरी से टर्मिनेट कर दिया गया है। टर्मिनेट कर दिया गया, लेकिन किस लिए विनोद? वो बाबा, कंपनी में स्टाफ काफी था और काम कम, और इतने लोगों को बिना काम के सैलरी देना कंपनी अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, इसलिए। और फिर भी तो कह रहा था कि मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगा। बाबा मैं कर लूंगा। कहां से लाने वाला था इतने पैसे? आपको जरूरत है ना, मैं आपके लिए ले आऊंगा पैसे, मैं कहीं ना कहीं से मैनेज कर लूंगा बाबा। नहीं बेटे, अगर जरूरत होगी भी तो मैं खुद मैनेज कर लूंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे एक बात बता, तू दूसरी जगह कहीं नौकरी ढूंढ रहा है या नहीं? बाबा कोशिश कर रहा हूं, लेकिन चिंता मत कर विनोद, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो तुम होनहार हो, मेहनत करने की तैयारी है, सबसे बड़ी बात तो तू ईमानदार है। अरे कंपनियों को तो तुम जैसे इंसानों की जरूरत होती है, और वैसे मेरा एक दोस्त है, परसों ही उससे मुलाकात हो गई थी, एक बड़ी कंपनी में मैनेजर बन गया है वो, मैं आज ही उससे बात कर लूँगा। उसकी कंपनी में अगर जगह होगी ना तो वो मुझे बता देगा, तू जाकर इंटरव्यू देकर आना, ठीक है? ठीक। टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो हुआ बिल्कुल सही हुआ। देखो अगर मैं ये मानो, मैं मानो, ये देख क्या है? अर्चना, तुम मेरे लिए, इस घर के लिए बहुत लक्की साबित हुई है। देखना, तू इस घर में आई नहीं और इस घर में खुशियां फिर से आने लगी। ये देख मेरे शो का पेमेंट। अरे पिछले कई महीनों से ये पेमेंट अटका था प्रोड्यूसर के पास, उसने मुझे खुद बुलाया और ये पैसे दे दिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये क्या, तुम लोग कहीं बाहर जा रहे हो? नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं, वो सविताची बुद्धि भ्रष्ट झाली। मैं उसे बाबा प्लीज ऐसे कुछ मत कहिए, हम लोग हैं ना, हम संभाल लेंगे, आप रहने दीजिए आप। हाँ बाबा, कभी कभी बुरी चीज में भी अच्छी बातें हो जाती है। अब आप देखिए, अगर मैं एक बेटे के रूप में उनको पैसे देता तो वह कभी नहीं लेती, लेकिन अब एक किराएदार के रूप में पैसे दूंगा तो वो लेंगी। और बाबा यही एक मौका है कि मैं इस घर के लिए कुछ कर सकता हूँ, प्लीज बाबा मेरी खुशी के लिए। मानो, पिछले जन्म में मैंने शायद कुछ पुण्य किए होंगे, इसलिए तेरे जैसा बेटा मुझे मिला। लेकिन एक बात है, मैं सविता की गलती माफ नहीं करूंगा, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। बाबा मेरी बात सुनिए प्लीज। नहीं मानो, तू मुझे मत रोक, आज मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा। अरे इस औरत ने हद पार कर दी है, रिश्तों का भी कोई लिहाज होता है? मैं उसे बराबर दिखाऊंगा। बाबा पाँच से देख क्या रही है? हाँ, ये तेरे हक के पैसे हैं, मैं तेरे साथ तेरे घर में रहता हूँ ना, उसका किराया है। रख ले अगर मेरे बच्चे इस घर में किराए पे रहते ना तो मैं क्यों पॉकेट में रहूं? भर ले तेरी तिजोरी भर ले, रिश्ते जोड़ना तो तुझे आता नहीं है, पैसे तो जोड़ ले। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।